तो बच्चों नए चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों जी, आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसके अंदर एक नया पार्टनर ज्वाइन कर लेता है, तो हम उसको क्या बोलते थे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो अब मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स काम कर रहे हैं और बहुत समय से काम कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद किसी एक पार्टनर को लगा कि भाई मुझे अब इस फर्म को छोड़ना है, तो फिर ये पार्टनर फर्म छोड़ भी सकता है या ये पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है। तो बस जब कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है तो हम उसको कह देते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो होता है, यानी कि जब पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ता रैंडमली कि चलो भाई आज मन कर रहा है आज फर्म छोड़ दिए। वो पहले से बताता है, नोटिस देता है। और आमतौर पर कोई भी पार्टनर जब पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है काम करते करते, यानी कि फाइनेंशियल ईयर मान लो पूरा का पूरा एक कंप्लीट हो गया और साल ख़त्म हो गया 31 मार्च वाले दिन, तो वो 31 मार्च तक अपना पूरा काम कंप्लीट करता है और वो ये कहता है कि बस जैसे ही 1 अप्रैल आएगी, मतलब अगला साल जैसे ही शुरू होगा, तो मैं छोड़ दूंगा। तो इसीलिए हमेशा पार्टनर कौन सी तारीख को रिटायर होता है? 1 अप्रैल को। मतलब हमारे कोर्स के अंदर, हमारे 12th क्लास के कोर्स के अंदर पार्टनर हमेशा कब रिटायर होगा? 1 अप्रैल को। वो पूरा साल कंप्लीट काम करके फिर छोड़ता है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया 15 अक्टूबर को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हमेशा छोड़ देगा 1 अप्रैल को। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वेरी इजी। तो अगर आपने पुराना चैप्टर अच्छे से कर रखा है तो ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो तो कुछ बातें लिखते हैं इसके बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर भी कर लेंगे आज इसी बहाने। तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर सीजेस, CEASES, ए पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स दैट ए पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसमें आप सीजेस वर्ड को ब्लॉक या हाईलाइट कर लेना। तो सीजेस का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब क्या होता है? हाँ, तो डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है टू पुट एन एंड, मतलब किसी भी चीज़ की समाप्ति को हम सीज कह देते हैं अंग्रेजी में, डिक्शनरी मीनिंग तो ये होता है। तो बस रिटायरमेंट का मतलब भी ये है कि एक पार्टनर अब पार्टनर नहीं है, एक पार्टनर जो है वो फर्म का अब पार्टनर नहीं है, कहानी खत्म हो गई उसकी। सेकंड एरो डाल के, ए पार्टनर मे रिटायर, ए पार्टनर मे रिटायर, और डैश डाल के लिखना है नीचे ए, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। इसमें एग्रीमेंट वर्ड को आप हाईलाइट कर लो। बी, इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट,
इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, तो इसमें आप एग्री को हाईलाइट कर लो और ऑल को भी हाईलाइट कर लो. और सी, इफ ही हैज गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग, इफ ही हैज गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग टू रिटायर, और ब्रैकेट में लिखना है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. इसमें आप कंसेंट इन राइटिंग को हाईलाइट कर लो. तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है. ए पार्टनर में रिटायर, तो पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है? तो ए में लिखा है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. तो देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट का मतलब होता है कि 99% तो यही होता है. इसमें पहले से ना एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और उसमें लिखा होता है कि 1 अप्रैल 2022 वाले दिन से बी पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाएगा, वो हमें छोड़ के चला जाएगा. तो एग्रीमेंट में पहले से लिखा होता है. तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से लिखा होगा तो फिर 1 अप्रैल वाले दिन बी पार्टनर छोड़ के चला जाएगा. तो इसको बोलते हैं इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. दूसरा लिखा है इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट. अब मान लो एग्रीमेंट तो नहीं है, एग्रीमेंट तो नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. अब बी ने बोला कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ भाई, तो बाकी सब ने कहा ठीक है, बाकी सब एग्री कर रहे हैं ठीक है तुम चले जाओ, तो फिर बिना एग्रीमेंट के भी वो छोड़ के जा सकता है. लेकिन अगर बाकी सब एग्री नहीं कर रहे तो फिर नहीं छोड़ के जा सकता भाई. अगर बाकी सब एग्री नहीं कर रहे तो क्या होगा फिर? तो फिर वो छोड़ के नहीं जा सकता. यही मतलब हुआ भाई, यही मतलब हुआ, बोलो हाँ. कि इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा और मैंने बोला कि मैं ये फर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो आप में से दो बच्चों ने कहा कि सर मत जाओ और बाकी ने कहा चले जाओ, तो अब क्या होगा? नहीं जा सकता मैं छोड़ के, नहीं जा सकता छोड़ के. पक्का श्योर? नहीं, मेजॉरिटी नहीं चलेगी. मैं नहीं जा सकता छोड़ के, यही पॉइंट कह रहा है. तो मेरे को अगर छोड़ के जानी है फर्म, तो मेरे इस सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा. जैसे एडमिशन के टाइम पे भी तो ऐसे ही होता है ना, अगर 20 जने कह रहे हैं कि इसको एडमिट कर लो, एक ने मना कर दिया, तो नया पार्टनर आएगा क्या? नहीं आता ना. तो अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोल रहा हूँ मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो फिर सबको एग्री करना पड़ेगा. अगर कोई एक भी मना कर देगा तो फिर मैं लीगली छोड़ के नहीं जा पाऊँगा. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2. और पॉइंट नंबर 3 जो होता है वो होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. तो थोड़ा सा इस पर हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. तो आपको ये पता है दो तरह की पार्टनरशिप होती है, या आपने शायद पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज़ में. एक पार्टनरशिप को बोलते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप. एक तरह की पार्टनरशिप होती है फिक्स्ड पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है ना, एक टेन्योर फिक्स होता है पहले से कि भाई हम पार्टनरशिप तो कर रहे हैं लेकिन 5 साल के लिए ही करेंगे, बस एक समय सीमा लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप. लेकिन ज़्यादातर जो पार्टनरशिप्स होती हैं आजकल के ज़माने में और वैसे भी, वो होती हैं पार्टनरशिप एट विल, मतलब एक इच्छा के अनुसार. जब तक हमारा मन कर रहा है तब तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे, अगर हमारा मन नहीं करेगा तो हम नहीं रहेंगे. तो इसमें कोई टेन्योर नहीं होता, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ख़त्म हो गया. ये 10 साल भी चल सकता है, उम्र भर भी चल सकता है, और 2 दिन भी चल सकता है. तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. तो दो तरह की पार्टनरशिप होती है. तो पार्टनरशिप एट विल वाले केस में जो ज़्यादातर होता है एक्चुअल में, उसमें अगर मैं रिटर्न में गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग टू रिटायर, तो मैं रिटायर हो सकता हूँ. तो अगर मैं लिखित में दे देता हूँ तो फिर मैं रिटायर हो सकता हूँ. तो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ ऑल मुझे नहीं चाहिए. तो अगर मैं रिटायर होना चाहता हूँ
तो मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा कि मैं 1 अप्रैल से इस फर्म से रिटायर होना चाह रहा हूँ, अब फिर चाहे आप एग्री करो या ना करो, है ना। नहीं तो फिर तो ऐसे तो जेल होगी मेरे लिए, पता चला एक मना कर देगी नहीं तुम नहीं जाओगे, तो फिर मैं ऐसे बैठा रहूँ यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अगर हम ओरल एग्रीमेंट पे हैं तो कंसेंट ऑफ ऑल चल जाएगा, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, राइटिंग में लिख कर आपको दे दूंगा। तो मैं बोल दूंगा कि मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, तो मैंने राइटिंग में अगर दे दिया तो फिर मुझे सबके कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मैं 1 अप्रैल से फर्म छोड़ दूंगा। तो पार्टनर जो है वो इस तरह से रिटायर हो सकता है। तो समझ आ गया तरीका। चलो उसके बाद जी नेक्स्ट एरो, हाँ अगर उन्होंने पूछा अगर कोई पार्टनर डाई हो जाता है तो वो हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, उसमें उस चैप्टर का नाम होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अभी मृत्यु नहीं करेंगे हम पार्टनर की, अभी वो अपनी स्वइच्छा से फर्म छोड़ के जाएगा, अगले चैप्टर में वो भगवान की इच्छा से दुनिया छोड़ के जाएगा, तब वो तब सीखेंगे। तो लिखो नेक्स्ट एरो में, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टूवर्ड्स थर्ड पार्टी कॉन्टिन्यूज टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, continues till date of retirement। तो इसका मतलब है retiring partner की जो liability होती है third party के प्रति वो continue होती रहती है जब तक date of retirement है तब तक। मतलब एक simple सा example से समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारी partnership firm में 3 partners हैं और partnership firm ने एक लोन लिया 15 लाख रुपए का, तो अब इस लोन के लिए तीनों ही पार्टनर्स एक तरह से लायबल हैं, तीनों को मिलके पैसा देना पड़ेगा। तो अब जो रिटायरिंग वाला पार्टनर, मान लेते हैं बी पार्टनर या बीच वाला जो पार्टनर है बी, ये इस फर्म में कब तक लायबल बना रहेगा, जब तक इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो यानी इस 15 लाख रुपए के लोन के लिए हम बी पार्टनर को भी कहेंगे भाई तुम भी इसके लिए लायबल हो, मतलब तुम्हें भी ये पैसे चुकता करने पड़ेंगे, तुम भी इसकी जिम्मेदारी लोगे, क्योंकि अभी तक तुम रिटायर नहीं हुए हो और हमने तुम्हारे रहते रहते ही तुम्हारे कार्यकाल में ही ये लोन लिया है। तो हम रिटायरिंग पार्टनर को तब तक के लिए लायबल मान के चलते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, जब तक उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं आ जाती। अच्छा, अगर मान लो फर्म ने लोन लिया बी के रिटायर होने के बाद, मान लो यहाँ लोन लिया, यहाँ पे एक और लोन लिया 10 लाख का, तो क्या उसके लिए बी लायबल होगा, मतलब ये क्वेश्चन है। तो क्या उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर को भी हम लायबल कहेंगे टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि वो तब तक फर्म छोड़ चुका। तो समझ आ गया पॉइंट, सिंपल। चलो तो अब इसी के नीचे लिखना है आपको नेक्स्ट एरो डाल के, ऑल्सो ही इज कॉन्टिन्यू टू बी लायबल, ऑल्सो ही इज कॉन्टिन्यू टू बी लायबल इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ओ माई गॉड, इसका मतलब इस 10 लाख के लोन के लिए भी बी लायबल रहेगा। ओ माय गॉड सर, ये क्या कह रहे हो आप। तो उसने फर्म छोड़ दी, वो घर पे आराम से चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खा रहा है और फिर भी उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये लिखा है ऑल्सो ही इज कंटिन्यू टू बी लायबल इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो बताओ ये लाइन पढ़ के आपको कैसा लगा, मतलब आपको ये लाइन डाइजेस्ट हो गई, ये लाइन आपके डाइजेस्ट हो चुकी है या नहीं हुई, अभी नहीं हो रही होगी। तो वो इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि कानून के नियम जो है वो थोड़े से सख्त हैं रिटायरमेंट को लेकर।
तो ऑल्सो ही इज कॉन्टिन्यू टू बी लायबल इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट इफ इफ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज नॉट गिवन. अगर उसके रिटायर होने का आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फिर हम उसको लायबल मानते चलेंगे चाहे रिटायरमेंट के बाद की ही बात क्यों ना हो. तो इसका मतलब कानून ने ये एक ऑब्लिगेशन सी लगा रखी है कि भैया अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने का पब्लिक नोटिस दे दो. अगर पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया तो फिर हम उसको बाद के लिए भी लायबल मानते रहेंगे. बात समझ आई? कुछ भी बन गया हो, पब्लिक नोटिस तो कानून ने देर लगा रखा है. अब न्यू एग्रीमेंट में तो हम मान लो लिख दें कि हम दोनों मिलके तीसरे आदमी का मर्डर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मर्डर करने के बाद कहें देखो हमने तो एग्रीमेंट में लिख रखा है हम तो कानून का पालन कर रहे हैं. कानून तो और ऊपर है ना, एग्रीमेंट के ऊपर है. तो ये कानून की ऑब्लिगेशन है कि रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको फिर पकड़ लेंगे बाद में भी. अब पब्लिक नोटिस क्या होता है ये आपके कोर्स के लिए नहीं है लेकिन वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. तो पब्लिक नोटिस में भी कुछ तरीके होते हैं. एक होता है कि आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है और एक आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है. और एक सरकार की भी या फिर रजिस्ट्रार की भी अपनी मैगजीन्स होती हैं, अपने पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें इन्फॉर्म करना होता है, तो उसे पब्लिक नोटिस कहा जाता है ना भाई. पब्लिक नोटिस का मतलब है कि जनता के नोटिस में आना चाहिए ना कि इसने फॉर्म छोड़ दिए, मैं सबको बताऊंगा कि मैंने फॉर्म छोड़ दिए, तो दैट इज पब्लिक नोटिस. तो ये मतलब होता है. ठीक है, तो आपको बस खैर इतना याद रखना है कि पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. वो तो सब चीजों के लिए लायबल रहेगा. लायबल का मतलब है जिम्मेदारी रहेगी. प्रॉफिट का शेयर तो बहुत दूर की बात है, वो तो फर्म के पार्टनर्स देंगे ही नहीं, उसको बताएंगे ही नहीं. लेकिन जब पुलिस आएगी जेल में ले जाने के लिए तब कहेंगे देखो बी को भी पकड़ो, इसने नोटिस नहीं दिया. चलो तो आप इसके नीचे लाइन लगा लो. बेसिकली ये एक छोटा सा इंट्रो था. अब इसके नीचे लिखना, आप एक फ्रेश पेज पर भी लिख सकते हो टॉपिक्स. बेसिकली हमारे चैप्टर में टॉपिक्स क्या हैं, थोड़ा चैप्टर को हमने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टॉपिक्स में, तो वो लिख लेते हैं. पहला टॉपिक है गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम चैप्टर में. अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. उसके बाद अगला टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और अगला टॉपिक है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. और अगला टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट. तो ये आप समझ लो बेसिकली चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा. ये सारा चैप्टर का हमने ब्रेकअप सा बना लिया टॉपिक वाइज. तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो ये हम आज कर लेंगे, है ना, इसका कॉन्सेप्ट तो अभी कवर हो जाएगा, 10 मिनट का है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये हम आज कर लेंगे, इसका टॉपिक कॉन्सेप्ट भी 5 मिनट का है. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के आगे लिखना है क्या लिखना है, चॉकलेट और कूड़ा. तो चॉकलेट और कूड़े के बारे में आपको पहले से सब कुछ आता है, तो
तो इसमें आप लिख लो वी आर चैम्प चैम्प्स। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में तो आपको सब कुछ ही आता है, उसमें तो आपको अगर कुछ सिखाया जाए तो एक तरह से मतलब ये है कि मैं दीपक लेकर सूरज के सामने रोशनी लेके जा रहा हूँ, है ना, तो आपको रिवैल्यूएशन सिखाना तो वो वाली बात हो जाएगी, तो इसमें तो आप पुराने चैम्प हो गए। बाकी रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा एंटायरली जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट भी एक तरह से कह सकते हो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर बेसिकली बहुत आपको आसान लगेगा, तो शुरू की दो बातें आज कवर हो जाएंगी, अगली दो बातों के खिलाड़ी तो आप पहले से हो, बस फिर बचेंगी क्या लास्ट की दो बातें, फिर पूरा चैप्टर कंपाइल हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स होंगे, तो शुरू करते हैं हम मेन टॉपिक नंबर वन से शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो आप कॉन्सेप्ट में ही हेडिंग डाल लो, नंबर वन गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो इसमें लिखना है आपको केस वन, केस वन में होती है कहानी न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तो कभी कभी आपको नया रेशियो नहीं दिया होगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, तो केस वन जो है बेसिकली वो हेडिंग बन गई न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तो इसमें लिखो एग्जांपल एक छोटा सा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर 5:3:2 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। बताओ किसे रिटायर करना है, सी को। तो बच्चों ने कहा सी को, तो लिख लो फुल स्टॉप, सी रिटायर्स, सी रिटायर हो गया। तो फाइंड नंबर वन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, और नंबर टू गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका केस वन होता है जिसमें आपको ना नया रेशियो दिया नहीं होता, बस ऐसे लिख देगा पुराना रेशियो दे रखा है 5:3:2, ए बी सी का पुराना रेशियो दे रखा है 5:3:2, ठीक है ना, तो ये एक तरह से ओल्ड रेशियो दे रखा है और बोल दिया सी रिटायर हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, लिखो सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आप ऐसे लिख लो ए बी और सी, और इनके नीचे इनका रेशियो लिख लो 5:3:2। तो अब कौन रिटायर हुआ, सी रिटायर हुआ, तो सी पर गोला लगा लो, सी रिटायर हो गया। तो क्योंकि ये रिटायर हो गया तो इसको काट दो, मतलब ये फर्म से बाहर हो गया। तो बस अब नीचे लिखो देयरफोर न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, बताओ क्या, 5:3। ओ माय गॉड, और आंसर नंबर टू गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, अब गेनिंग रेशियो वैसे आप निकाल सकते हो अगर हम पुराने चैप्टर का लिंक करें, अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है ना 5:3:2 वाला, और न्यू रेशियो भी है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि गेनिंग रेशियो भी है 5:3, तो आपके मजे आ गए, तो लिखो गेनिंग रेशियो भी होता है 5:3। अब क्योंकि बच्चा भोला मासूम है आपकी तरह, तो वो इस बात पर एकदम से भरोसा नहीं करता, वो कहता है सर मैं क्यों मान लूं, आप तो ऐसे कुछ भी लिख दोगे। तो इसीलिए एक बार सिर्फ करके देख लेते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए मेरी बातों पर, और फिर आगे तो आप खुद ही नहीं करोगे क्योंकि भरोसा हो ही जाएगा। तो एक बार ए और बी का ओल्ड शेयर बताना क्या था, तो मतलब 5/10 और 3/10, और ए और बी का न्यू शेयर बताना
5:3। इस गणित को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं 80, 40 माइनस 50 माइनस 10/80, तो मतलब गेन कर रहा है। बी का 80, 24 माइनस 30 माइनस 6/80, तो मतलब ये भी गेन कर रहा है। तो ए और बी का गेनिंग रेशो हो गया एक तरह से 10:6, है ना, माइनस 10/80 उसका और माइनस 6/80 उसका। तो 10:6 को सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5:3। ओ माय गॉड, तो सिंपल। तो अब अगर ये बताओ, मान लो मेरे इसी क्वेश्चन में लिखा होता बी रिटायर्स, तो नया रेशो क्या होता, और गेनिंग रेशो, और अगर लिखा होता ए रिटायर्स, तो 3:2। तो सिंपल, चलो बस। तो केस वन तो खत्म, और अब इसके नीचे लिख लो केस टू। दो ही केस होते हैं बस पूरे चैप्टर में। हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। केस टू तो लिखते ही आप हंसोगे पहले। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, तो केस वन तो था जब नया रेशियो नहीं दिया, और केस टू है जब नया रेशो दिया है। तो अगर नया रेशो दिया है तो नया रेशो तो दिया ही है, वो तो निकालना नहीं है फिर। तो बस फिर तो आपको क्या निकालना है, ओनली गेनिंग रेशो, है ना। तो गेनिंग रेशो निकालने में आप लिख सकते हो डैश डाल के कि वी आर चैंप। गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे भाई, वही तरीका है, लेकिन वैसे बता देता हूँ, हमने एक स्टैंडर्ड तरीका सीख रखा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना, पुराने चैप्टर के अंदर। तो आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं, गेन, और आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस। तो या तो ये यूनिवर्सल, यही फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा कभी कभी भूले बिसरे किताब खोल लेता है। अब जब वो गलती से किताब खोलता है तो किताब में उसको दिखाई देता है कि अरे सर, किताब वालों ने तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला उल्टा लिखवा रखा है और आपने उल्टा लिखवा रखा है, तो या तो आप गलत हो या किताब गलत है। तो गलत कोई नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बदलनी है आपको। तो अगर मैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करूँगा तो फिर उस केस में आप पॉजिटिव आंसर को बोलोगे क्या, गेन, और नेगेटिव आंसर को बोलोगे क्या, सैक्रिफाइस। तो दोनों में से फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, बस इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हो इस बात का ध्यान रखना है। तो आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो चाहे आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करो तो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन गेन करता है, उस केस में नेगेटिव वाला गेन होगा, जो हमने पुराने चैप्टरों तक करते रहे। और अगर आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करोगे तो फिर अपने इंटरप्रिटेशन को उल्टा कर देंगे, तो फिर आपका पॉजिटिव वाला गेन हो जाएगा और नेगेटिव वाला सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्लियर होगी कहानी? तो गेनिंग रेशियो निकालना आपको ऑलरेडी आता है, तो इसीलिए उस पर कोई भी अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी कर सकते हो, या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर भी कर सकते हो। पर थोड़ा सा अगर हम रटने के हिसाब से या थ्योरी पर्सपेक्टिव से लेकर चलें एग्जाम के लिए, तो फिर आप ये नीचे हरे बादल वाला ही फॉलो कर लेना।
बाकी आंसर आप किसी से भी निकाल सकते हो, तो चाहे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करो, आंसर किसी से भी निकल जाएगा, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में पूछेगा तो हम नीचे वाली बात बोल देंगे। तो क्लियर होगी कहानी? तो बताइए जी, नया रेशियो निकाल लोगे अब रिटायरमेंट में और गेनिंग रेशियो निकाल लोगे रिटायरमेंट में, है ना? तो पहला टॉपिक तो बस यही था छोटा सा। अब इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखना है क्योंकि वो कई बार एग्जाम में आया भी है। तो क्वेश्चन है इसी के नीचे आपका, गेनिंग रेशियो वर्सेस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम एक डिफरेंस के फॉर्म में ही डील कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो वर्सेस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले आप बताओ आपके हिसाब से क्या, फिर लिखेंगे। तो लिखो नंबर वन, इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और सेकेंड पॉइंट भी लिख लो, तभी समझ आएंगे दोनों एक साथ। इसी के नीचे कि इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिखो नंबर वन, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और सेकेंड पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, आप बताओगे कब? इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये है मूल डिफरेंस जो आपको समझना और ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। तो सर क्या है मूल डिफरेंस? गेन कब होता है? गेन कब होता है? जब कोई पार्टनर हमें छोड़ के चला जाए। तो अगर पहले पिज़्ज़ा तीन दोस्त खा रहे थे, एक की मम्मी का फ़ोन आ गया कह रहा है मैं तो घर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब बाकी दोनों को क्या होगा? गेन होगा ना। तो गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट ही कब बनता है? रिटायरमेंट में। और अगर तीन लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे और अचानक से चौथा भी भागे भागे आ गया, तो इसका मतलब बाकी तीनों को नुकसान होगा। तो सैक्रिफाइसिंग का कॉन्सेप्ट ही कब बनता है? जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है। पहले ही समझ आ गया? तो बस उन्हीं की अंग्रेजी ऊपर बना दी। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो गेनिंग रेशियो में लिखा है, इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ जाने वाला पार्टनर। तो इसका मतलब उन्होंने गेन कर लिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिखा है कि इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर। पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं, नए वाले को शेयर दे देते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो सबको क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आया? और तीसरा डिफरेंस, जैसा हमारे मित्र ने किताब से देख के बताया था, थ्योरी के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो जब लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? हाँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब लिखते हैं तो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ताकि एक और डिफरेंस का पॉइंट बन जाए। तो ये तीन ही नंबर में पूछता है, तीन से ज़्यादा का पूछेगा नहीं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस बन गया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है ना। तो ये तो था जी आपका पहला टॉपिक। अब लिखना है नेक्स्ट फ्रेश पेज पर टॉपिक नंबर टू। टॉपिक नंबर टू का नाम है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पॉइंट नंबर वन। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है जी? जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होती है। तो इसका ट्रीटमेंट वैसे तो आपको पता है, आप पुराने चैंप हो, लेकिन फिर भी अपने मुंह से बोल दो एक बार। सही, तो बस वही एंट्री चिपकानी है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल तो राइट ऑफ हो गई, तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा, तो ये तो कहानी खत्म। तो एग्जिस्टिंग गुडविल तो सेम ट्रीटमेंट, राइट ऑफ हो गई। फिर पॉइंट नंबर टू, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट में नहीं होती, मतलब जो एडजस्टमेंट में होती है ना, नीचे दी होती है, जो बैलेंस शीट में नहीं होती है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं लिखने से पहले। तो सर, जब हमने पुराना चैप्टर पढ़ा था एडमिशन का, तो हमने ये पढ़ा था कि नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो हम उससे कहते हैं कि तुम्हारे ज्वाइन करने की वजह से हमें नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए हम उससे क्या मंगवाते थे? PFG मंगवाते थे, गुडविल में उसका शेयर मंगवाते थे। अब अगर आज 15-20 साल के बाद वही पार्टनर मान लो हमारी फर्म को अब छोड़ के जा रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं, तो अब उसके जाने पर पुराने पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा, उनका शेयर फायदा हो जाएगा। तो अगर पुराना पार्टनर ये कहे कि मेरे को छोड़ के जाने पर अब मेरे हिस्से की गुडविल का शेयर भी मुझे दे दो, क्योंकि मैंने 15 साल इस फर्म में मेहनत करी है, इस ब्रांड को बनाया है, तो उसके हिस्से का मेरे को भी अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं आया था तब आपने मुझसे मंगवाया भी था पैसा, तो वो गलत तो नहीं कह रहा। तो बस, तो हम हमेशा रिटायरिंग पार्टनर को, यानी कि जो पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है, उसका गुडविल का शेयर निकाल के उसको दे देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सर्वोपरि है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आया पॉइंट? तो अब थोड़ी सी इसमें अकाउंटिंग घुसाइए। अगर आपको रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देना है तो आप उसे डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना है इसमें, कि आप हमेशा सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। इस पे मैं वन बना देता हूँ ताकि आपको स्टेप याद रहे। तो हमेशा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए आप क्या करो, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को क्या कर दो, क्रेडिट करो, क्योंकि उसको आपको पैसा देना ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसमें तो हम लिखते हैं एक तरह से हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसको दे देते हैं। अच्छा, अब लेंगे किससे फिर? गेनिंग पार्टनर्स से ले लेंगे, गेनिंग पार्टनर से वो हिस्सा ले लेंगे। तो इसीलिए डेबिट में क्या आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर भगवान ना करे गेनिंग के अलावा कोई सैक्रिफाइसिंग भी हो गया, तो जरूरी तो नहीं ना कि, क्या पता क्वेश्चन का डिजाइन इस तरह से हो कि दो ने गेन कर लिया और एक ने मान लो सैक्रिफाइस कर लिया, तो क्या होगा?
तो सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक कॉन्सेप्चुअल एंट्री जो आपने बहुत पहले सीख रखी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वही चल रही है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे इफ एनी, अगर कोई होगा तो बस आपकी ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन गई है ना। तो 99.99% में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गई नहीं, इनफैक्ट आपकी किताब में एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो, या हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो अगर होगा भी तो कोई टेंशन नहीं है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। बाकी नरेशन तो वही है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। तो इसकी नरेशन वही चलती रहेगी जो पहले भी चल रही थी। तो दो बातें तो ये हो गई, और उसके बाद थर्ड है जी हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। तो ना तो ये बैलेंस शीट में होगी, मतलब ना तो गुडविल बैलेंस शीट में नजर आ रही है आपको, ना ही गुडविल एडजस्टमेंट में नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये गुडविल कौन सी गुडविल है? हिडन गुडविल है, छुपी हुई है। तो ना तो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, मतलब ना तो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है, और ना ही कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो बच्चा क्या सोचता है कि गुडविल है ही नहीं, फिर उसका एग्जाम में गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी गुडविल हो सकती है? हिडन गुडविल हो सकती है। तो वो आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। तो बस एक फॉर्मूला लिख लो कि हम कैसे निकालते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल लंपसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल फाइनल बैलेंस। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला सा बस लिखना है जो हम सवाल में आगे सीख जाएंगे। तो कहानी कॉन्सेप्चुअली खत्म, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे 20,000 रुपये दे दो, मेरा हिसाब 20,000 रुपये का बन गया है, मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ घर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और उसने मुझसे 20,000 रुपये मांगे, पर मैंने उसको 24,000 रुपये दिए। मैंने उसको कितने रुपए दिए? 24,000 रुपए दिए। तो बताइए 4,000 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के दिए? उसके मेहनत के रंग के दिए, कि उसकी मेहनत की वजह से जो मुझे गुडविल प्राप्त हुई, तो मैंने उसको इस बात के 4,000 एक्स्ट्रा दे दिए। तो बेसिकली इसी को हिडन गुडविल कहते हैं। तो ऊपर जो अंग्रेजी लिखी हुई है खतरनाक, वो वैसे यही है। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे निकालते हैं? जो हमने उसे टोटल लमसम पेमेंट करी, मतलब जो हमने उसको टोटल रुपए दिए, माइनस जो उसका रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का फाइनल बैलेंस बच रहा है, जो उसका हिसाब है। तो हिसाब कह रहा है 20,000 रुपए दो, लेकिन हम उसको 24,000 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब 4,000 किस बात के एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? गुडविल के एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो वो इस तरह की लैंग्वेज जब सवाल में आपको मिलेगी ना, तो आप खुद समझ जाओगे।
तो बेसिकली 4,000 रुपये जो हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसका शेयर ऑफ गुडविल का दे रहे हैं, ये मतलब है। तो समझ आ गया कौन सा? अच्छा, तो आप क्लोज कर सकते हो, मतलब नीचे लाइन लगा दो। तो कॉन्सेप्चुअल बातें तो ख़त्म हो गई, बस अब इसके नीचे एक एग्जाम्पल करना है आज छोटा सा। तो उस एग्जाम्पल से देख लेंगे कि क्या बातें होती हैं। तो लिखो जी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3:2:1 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। बी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एग्जिस्टिंग गुडविल वॉज ₹60,000 एंड नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल इज ₹180,000। पास जर्नल एंट्रीज। तो आपको मिलेंगे 7 मिनट पहले, आप अपनी बुद्धि से आप करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि ए बी सी जो है वो 3:2:1 के पार्टनर्स हैं और बी रिटायर हो गया। तो ये सुनते ही बताओ आपको क्या पता चला? हाँ, तो इसका मतलब ये कि एक तो नया रेशो भी हो गया 3:1 और गेनिंग रेशो भी हो गया 3:1, क्योंकि बी रिटायर हो गया पहले। इतना ओके, ठीक है। फिर उसने दिया कि एग्जिस्टिंग गुडविल है 60,000 की, तो एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए आपने क्या एंट्री करी? ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई या राइट ऑफ कर देंगे। तो किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 30, 20 और 10, तो इसमें तो किसी को परेशानी नहीं हुई, यहाँ तक ओके, ठीक है। अब उसने दिया कि जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है वो है 1,80,000। तो बस इसके स्टेप आप सीखो ध्यान से। देखो, आपको एक स्टेप हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है, अब हमारे एग्जाम्पल में रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी है, तो वो छोड़ के जा रहा है, तो आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप उसे क्रेडिट कर लो, यहां तक ओके हो गई कहानी। अब हम इसमें बी को कितने रुपए देंगे? उसका शेयर। तो पहले तो ये बताओ, क्या पूरी गुडविल दे दोगे उसको? क्या पूरी गुडविल बी की हो गई? वो तो नहीं हुई ना। तो आप गुडविल में क्या निकालते हो? बी का शेयर। तो वो किसी ने निकाला बी का शेयर? 60,000 होगा वो। आपने कैसे, आपको कैसे पता चला? ठीक है, ठीक है। तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? 1,80,000। और बी का शेयर कितना था? 2:6 है ना, क्योंकि पुराना रेशो दे रखा है ना एबीसी का 3:2:1। तो इसका मतलब बी को हमें कितना शेयर देना पड़ेगा? 6। तो इतना लिखने में तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, यहां तक समझ आ गया। अब बी को ये शेयर कौन देगा? मतलब कॉन्सेप्चुअली याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग कौन है? ए और सी है। तो ए को और सी को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि गेन कौन कर रहा है? ए और सी। और आपके पास गेनिंग रेशो भी है, कितना है गेनिंग रेशो? 3:1। तो 60,000 रुपये को आप गेनिंग रेशो में 3:1 में ए और सी से ले लोगे। तो ए से हो गया 45 और सी से हो गया 15, 3:1। तो आपकी सेकेंड एंट्री जो है कॉन्सेप्चुअली वो ऐसे बनेगी। तो आप ये एंट्री देखना,
पूरे चैप्टर में ऐसे ही चलेगी। तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है इस एंट्री पर चलता रहेगा गुडविल की ट्रीटमेंट का। तो क्लियर होगी कहानी, सबको समझ आ गया? चलो तो डन डना डन। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है बच्चों के कटने दो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या मोटिवेशन चाहिए? हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।